कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, राज्य सरकार इस संकल्प के साथ इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने जा रही है। प्रदेश के गरीब, मजदूर और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए यह योजना वरदान साबित होगी। प्रदेश के 213 निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से योजना 20 अगस्त से शुरू होने जा रही है। योजना में क्या रहेगा खास और किन्हें मिलेगी राहत, आइए जानते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। सरकार ने मानव सेवा का लिया संकल्प, प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसे साकार करने की दिशा में एक और कदम। 20 अगस्त से शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना। योजना में लोगों को मिलेगा सस्ता और पौष्टिक भोजन, 8 रुपए प्रति थाली के हिसाब से मिलेगा भोजन। योजना पर प्रतिवर्ष खर्च होंगे 100 करोड़ रुपए। गहलोत के तीसरे कार्यकाल की है प्रमुख फ्लैगशिप योजना। कोरोना काल में गरीब, मजदूर और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। वहीं दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने वाले गरीब लोग भी बड़ी संख्या में प्रदेश आ गए हैं। ऐसे में इन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट बढ़ने लगा। मानवीय संवेदनाओं से सदैव सरोकार रखने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीबों की परेशानी को समझा, उनके दर्द को जाना। इस दौरान जन जन के नेता सीएम गहलोत ने संकल्प लिया कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ऐसे महान व्यक्तित्व के नाम पर मानव सेवा की ऐसी योजना शुरू करने जा रही है, जिसमें गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा। स्वर्गीय इंदिरा गांधी का पूरा जीवन गरीबों के कल्याण को समर्पित रहा है, इसलिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी का नाम योजना से जोड़ना भी गहलोत सरकार की जन हितैषी सोच में शामिल है। यह अहम योजना अब साकार होने जा रही है। इंदिरा गांधी बहुत बड़ी नेता थी, जिसने बांग्लादेश का उदय किया, हरित क्रांति लेके आई, परमाणु विस्फोट किया 74 में पोखरण के अंदर। उस महान नेता की याद में हम लोगों ने तय किया है इंदिरा रसोई योजना, जिसके अंतर्गत कोई भूखा नहीं सोएगा और इसकी शुरुआत जल्दी होगी। नगर पालिका क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध कराया जाएगा। योजना प्रत्येक निकाय स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं एवं स्वाद का ध्यान रखते हुए व्यंजन उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत का संकल्प और मानवीय सोच अब पूरा होने जा रही है। इसमें निर्णय लिया है कि 20 अगस्त से शुरू होने वाली इंदिरा रसोई योजना पर हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके माध्यम से गरीब, मजदूर और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को 8 रुपए में भरपेट पौष्टिक भोजन मिल सकेगा। प्रदेश के 213 निकायों में 358 रसोई घर के माध्यम से योजना की शुरुआत हो रही है। इस योजना को स्वायत्त शासन विभाग की ओर से लागू किया जा रहा है। विभाग के अनुसार योजना में भोजन की प्रति थाली पर 20 रुपए का खर्च आएगा, इसमें 12 रुपए सरकार अनुदान के रूप में वहन करेगी। दरअसल इस व्यवस्था में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 9:30 बजे तक इन रसोइयों पर भोजन उपलब्ध रहेगा, जहां जरूरतमंद लोगों को सम्मान के साथ बैठाकर भोजन कराया जाएगा। भोजन के मेन्यू में हर थाली में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और आचार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें भोजन की पौष्टिकता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके साथ ही हर दिन भोजन का मेन्यू भी बदला जाएगा। इससे लोगों को हर तरह का स्वाद थाली में मिलेगा। इस मेन्यू को जिला स्तरीय कमेटी निर्धारित करेगी। इंदिरा रसोई योजना में बने भोजन को टिफिन में पैक करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इंदिरा रसोई योजना मोबाइल यूनिट के बजाय किसी स्थायी जगह पर भी शुरू की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से योजना की पूरी निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। इससे किसी भी तरह से कोई भी भूखा नहीं सोए और बगैर गड़बड़ी या हेराफेरी किए बगैर भोजन मिलता रहे। इंदिरा रसोई योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तीसरे कार्यकाल की फ्लैगशिप योजना अहम मानी जा रही है। हर साल 4,87,00,000 लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के मकसद वाली ये योजना शुरू होने को है। इस योजना में बना पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना खाकर हर गरीब और दीन दुखियारों को भोजन की दिक्कत दूर होगी। गरीब, मजदूर और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को सस्ता और भरपेट भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से गहलोत सरकार 20 अगस्त से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना पर
गहलोत सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए व्यय करेगी। योजना के माध्यम से लोगों को 8 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध हो सकेगा, जिसके लिए प्रदेश के 213 निकायों में कुल 358 स्टॉलों के माध्यम से इस योजना की शुरुआत की जा रही है और इस योजना को गहलोत के तीसरे कार्यकाल की फ्लैगशिप योजनाओं में माना जा रहा है। लेकिन योजना कितनी कारगर साबित होगी और धरातल पर कितने परिणाम सामने आएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन सैनी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।